बाहर हो रही है बारिश और ओ मैंने दिन भर से लेकर शाम तक लग के ये जो भी गमले थे ना पहले उधर रखे थे, मतलब वहाँ रखे थे, वहाँ से मैंने लेकर आई और इन सारे गमलों को मैंने यहाँ लगा दी। इसको पता है पेंट करना है बट अभी नहीं, जैसे रेनी सीजन जब तक रेनी सीजन है ना इसको कलर करके कोई मतलब नहीं है, तो मैं दिवाली के आसपास करती हूँ। हर साल दिवाली आती है ना तब मैं सारे गमलों को पेंट करती हूँ और साल भर मेरे गमले अच्छे से चल जाते हैं। बीच में मुझे बिल्कुल भी पेंट नहीं करना पड़ता है, बस ये है कि आपको अच्छा वाला पेंट यूज करना होता है। तो बाहर तो लगी है बारिश, तो बाहर वाला तो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं हम लोग। चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। यहाँ आ गया है दूध। कुछ प्लांट्स तो मैंने यहाँ लगा दी हूँ, ये है आप देख सकते हैं गमले हमने यहाँ रख दिए हैं। ये रही मैं, चलिए बनाते हैं फटाफट से गर्मा। चाय हमने पी ली है और बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है और मन कर रहा है चाउमीन बनाया जाए, चाउमीन खाने का। होटल वाला चाउमीन अपनी जगह और ठेले वाला चाउमीन अपनी जगह। देखो टेस्टी तो दोनों होते हैं बट अगर आपको खाना है चाउमीन और आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही बनाना पड़ेगा और उसका टेस्ट भी अलग होता है अपनी जगह। हाँ मैंने ले ली थी नूडल्स और उसको बॉइल कर लेना है। इसके बाद हम लोग तेल गरम कर लेंगे और उसमें लगा देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का तड़का, फिर इसमें ऐड कर देंगे प्याज और प्याज थोड़ा सा पक जाए तो उसमें जाएगा शिमला मिर्च और शिमला मिर्च जब थोड़ा सा पक जाए तो सबसे लास्ट में ऐड करना आप पत्ता गोभी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई वेजिटेबल्स पसंद है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। आपको वेजिटेबल्स को इतना ही कुक करना है जिससे कि उसका जो क्रंचीनेस है ना वो बिल्कुल भी ना जाए। आपको वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी थी नूडल्स, और नूडल्स ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉस। मेरे पास फिलहाल सोया सॉस एंड टोमेटो सॉस अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड नमक थोड़ा कमी डालना बिकॉज सोया सॉस में वैसे ही नमक होता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ऐड करने वाली हूँ। सिंपल सा चाउमीन बन के तैयार है, मिक्स अच्छे से करना ताकि जो सॉसेस है वो सब दूर अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने तो ये वाले प्लांट्स आपको दिखाई नहीं थे ना, ये न्यू है पता, ये मेरे पास सिर्फ एक था, फिर मैंने इसकी कटिंग यहाँ लगाई, फिर एक कटिंग वहाँ लगाई और भी कुछ गमलों में मैंने कटिंग लगाई हूँ, मैं बाद में आपको बताऊँगी। बट हाँ थोड़ी बहुत बारिश अभी भी है, मतलब इतनी बारिश हो रही है कि अगर हम बाहर निकले तो हम भीग सकते हैं। वैसा की तरह मौसम आज भी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुबह लगी हुई थी बारिश बट अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बारिश हो गई है बंद, बादल है हाँ बट बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं। थोड़ी सी हल्की हल्की सी निकली हुई है धूप तो हम लोग आ गए हैं ऊपर बिकॉज जब भी बारिश होते रहती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर के अंदर बैठे रहो, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। बट एक चीज़ की कमी है, अगर मैं एक कप चाय बनाकर लाती ना तो मज़ा ही आ जाता, बट कोई बात नहीं। ये वाले फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, वैसे तो बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है मेरे पास, सुंदर लग रहा है ना ये। इसमें से कुछ मैं फ्लावर्स तोड़ूंगी और हम लोग बनाएंगे नेचुरल फ्लावर पॉट। आउच, तो
पता है अभी जैसे रेनी सीजन है ना, तो इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर्स लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें से कुछ हम लोग अभी तोड़ लेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे अपने किचन में रखना, किचन में ऐसे डेकोरेशन करना। बट हाँ, मुझे नेचुरल फ्लावर ही पसंद है। तो मेरे घर में इतने सारे प्लांट है कि मैं इनका यूज करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। इसमें वाइट वाले फ्लावर लगते हैं अभी, तो मैं दिखाती हूँ। वैसे आज ज़्यादा नहीं लगे हैं, लेकिन मैं इसमें से भी तोड़ूंगी जिसमें कि वाइट फ्लावर लगते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके वाइट फ्लावर। तो पता है, ऐसे मिक्स मैच करके भी हम लोग नेचुरल घर पर फ्लावर पॉट बना सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है। इतना सुंदर लग रहा है ना ये वाला फूल, बहुत ही सुंदर। कुछ लोग तो इसे कहते हैं सदाबहार, या फिर कुछ कहते हैं सदाफूली। ये वाइट वाला है मेरे पास, इसमें और भी बहुत सारे कलर आते हैं, बट ये भी बहुत सुंदर है। और इसे भी मैंने अपने गमले में ही ग्रो की हूँ, आप देख सकते हैं इस वाले गमले में है ये। अभी तो मैंने सारे प्लांट्स को यहाँ रख दी हूँ, बट जिस दिन धूप अच्छी निकलेगी ना, पता है उस दिन सारे प्लांट्स को उठाकर फिर धूप में वहाँ रखना होगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है प्लांट्स की केयर करने में। मैं दूध गरम कर रही हूँ, इसको अच्छे से गरम होने दूंगी, और जब अच्छी मलाई आएगी दूध ठंडा करके दही जमा दूंगी, उसके बाद मक्खन निकाल कर हम लोग घी बनाएंगे। और हाँ, ये गाय का दूध है तो हम लोग गाय का घी बनाएंगे, देसी गाय का घी। बट अभी मैं बना रही हूँ पूरन पोली। इसके लिए मैं हमेशा, जब भी मुझे पूरन पोली बनानी होती है, मैं कटोरी से ही मेज़रमेंट लेती हूँ, ताकि मुझे चीनी डालने में मतलब ज़्यादा सोचना ना पड़े। यहाँ मैंने मक्खन से घी भी बना ली हूँ। आप सोचेंगे इतनी जल्दी कैसे, तो हाँ, मैंने फटाफट से मक्खन से बना ली हूँ घी। और गाय का घी आप देख सकते हैं 100% जो नेचुरल होता है ना, वो इतना ही येलो दिखता है। दाल मैंने बॉईल कर ली थी पूरन पोली के लिए, और मैंने चीनी डालकर इसको मतलब भून भी ली हूँ, और हमारी पूरन पोली बनके तैयार है। हमारे यहाँ तो पूरन पोली खाते हैं घी के साथ, कुछ लोग दूध से भी खाते हैं, और कुछ लोग आमटी से भी खाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आमटी से खाना और घी से खाना, दोनों मुझे पसंद है। महाराष्ट्र साइड में शायद लोग आमटी से भी खाते हैं, बट जहाँ हम लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ कुछ लोग, अब पता नहीं, बट हमारी फैमिली में घी से भी खाया जाता है। शाम का टाइम है, शाम को बना रही हूँ मैं काली दाल। बहुत सारे लोग इसे माँ की दाल भी बोलते हैं। इसमें मैंने ले ली थी, मतलब ज़्यादा पोर्शन में ली थी मैंने उड़द की दाल, और थोड़ा सा ली थी चना दाल, और सेम उतना ही मैंने ली थी तुअर दाल। बारिश का मौसम हो या फिर ठंड वाले दिन होते ना, उस टाइम पर ये वाली दाल बहुत ही स्वाद लगती है खाने में। आज मैं सिंपल सा तरीका बताऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ। दाल को कर लेंगे वॉश, और बस आपको जितनी पतली दाल चाहिए अपने हिसाब से आप पानी रख देना। इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, और थोड़ा सा क्रश करके आपको ऐड करना है इसमें लहसुन, हरी मिर्च और नमक। 3 से 4 सीटी लगा लेना, दाल गल जाएगी। आपको कितनी गली दाल पसंद है या फिर खड़ी खड़ी दाल पसंद है, आप उतना कर लेना। आप, मुझे इतना पसंद है एकदम, अगर इसको आप गला दोगे ना तो भी ये दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। दाल अच्छे से बॉईल हो गई है, चलिए लगा देते हैं फटाफट से तड़का। और हाँ, तड़का घी से ही लगाना है, तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ मैंने ऐड कर दी थी 1 चम्मच घी, और इसमें तड़का लगा दूंगी मैं फिर से लहसुन का। लहसुन कट करके मत डालना, क्रश करके डालना। फिर हम ऐड कर देंगे जीरा, और इसमें अब जाएगा हरी मिर्च, अगर सूखी लाल मिर्च है तो वो भी ऐड कर देना। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हींग। हींग के बिना ये वाली दाल तो बन ही नहीं सकती। और लास्ट में आपको ऐड कर देना है दाल। अगर आपको थोड़ी और पतली दाल चाहिए तो पानी आप थोड़ा सा बॉईल कर लेना, फिर ऐड करना इसमें। अब थोड़ा सा और पका लेंगे, और ये वाली दाल ना इतनी टेस्टी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। एक बार आप जरूर ट्राई करना।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में।